तो गाइज आप भी अपनी बजाज प्लेटिना कॉम्फर्टर का ऐसा पिकअप चाहते हैं? तो गाइज हमने इसका ऐसा पिकअप बनाया है, वो बनाया है क्लच प्लेट डालने के बाद। तो गाइज मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं चैनल मिस्टर कौशल, और ये है बजाज प्लेटिना कॉम्फर्टेक। 13,000 किलोमीटर चली है, हालांकि चली तो ज़्यादा है, लेकिन शायद इसका मीटर जो है वो पीछे हटाया हुआ है और इसकी क्लच प्लेट ख़राब है। किक लगा के आप हाथ से भी देख सकते हैं स्लिप कर रही है, और आप यदि इसके पैर से टेस्ट करें तब भी ये किक स्लिप कर रही है, पिस्टन नहीं घूम रहा। ठीक है, इसकी पहचान ये होती है। आप इसको टेस्ट राइडिंग करके भी पता लगा सकते हैं कि आवर रेस होती है तो क्लच प्लेट ख़राब है, और यदि आवर रेस नहीं होती तो क्लच प्लेट ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हमें जो इसका है इंजन ऑयल को निकालना है, पुराना जो ऑयल है। अब इसमें 18 mm का बोल्ट यहाँ पे लगा होता है, और इस तरह से आप उसको निकाल दें। तो गाइस सबसे पहले आप जो इसकी किक है उसको आप इस तरह से डिस्कनेक्ट कर दें, और उसके बाद जो क्लच केबल है, क्लच केबल को एक प्लायर की मदद से यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दें। तो गाइस उसके बाद जो है हमें क्लच कवर खोलना होता है। 8 mm के यहाँ पर बोल्ट लगे होते हैं, उनको सभी को डिस्कनेक्ट कर लें। यहाँ पर ऑयल फिल्टर के जो बोल्ट हैं उसको डिस्कनेक्ट मत करें, फुट रेस्ट को खोलना पड़ेगा क्योंकि ये बोल्ट नहीं खुल रहा। यहाँ पर हमारी जो सॉकेट है वो नहीं लग रही, तो फुट रेस्ट को हमने डिस्कनेक्ट किया। उसके बाद जो कवर है उसके सभी बोल्ट हमने खोल दिए। यहाँ पर थोड़ा सा हिलाएं, और हिलाने के बाद जो है आपको जो है इस कवर को बाहर निकाल लेना है। यहाँ पर जो साफट है, किक साफट है, आप देख सकते हैं वो बाहर आ चुकी है, कई बार अंदर ही रह जाती है यदि हम इसको थोड़ा हाथ से रोक लेते हैं, तो कोई बात नहीं, इसको हम बाद में डाल देंगे। तो उसके बाद जो ये क्लच हाउसिंग है उस पर जो प्लेट लगी है उसमें 8 mm के बोल्ट लगे हैं। यहाँ पर जब भी आप इस प्लेट के बोल्ट को खोलें, ये ध्यान रखें बराबर तरीके से खोलें, आमने सामने के बोल्ट ही लूज करें जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये एलुमिनियम की प्लेट है, यदि आप एक साइड से पूरा बोल्ट खोल देंगे तो ये प्लेट हो सकता है स्प्रिंग के प्रेशर की वजह से टूट जाए, जो अंदर इसके अंदर जो 6 स्प्रिंग डले हैं वो प्रेशर डालते हैं, उसकी वजह से टूट भी सकती है। और उसके बाद जो यहाँ पर 6 स्प्रिंग हैं उनको आप निकाल दें। उसके बाद ये जो यहाँ पर नट लगा है, यहाँ पर ध्यान दें एक चीज़ का, यदि आपके पास मशीन है तो ठीक है, वरना आप पुलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ मशीन का उपयोग कर रहा हूँ। तो इसकी जो चूड़ी है वो उल्टी है, देखिए मैंने इसको सीधा घुमाया और ये खुल गया। यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा, कभी आप इसको नॉर्मल जो नट है उसकी तरह खोलें और जो साफट है वो टूट जाए। और यहाँ पर 2 वार्सल निकलेंगे, ये भी ध्यान रखें, यहाँ पर इसमें 2 लगे होते हैं वार्सल। और उसके बाद जो क्लच प्लेट है उसको आप इस तरह से यहाँ से पकड़ के बाहर निकाल लीजिए, और यहाँ पे भी एक वासा लगा होता है, वो यहाँ पे डलता है। ठीक है, तो अब हम इसकी जो क्लच प्लेट है उसको अलग कर लेते हैं। इस तरह से आप इसकी जो प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट है उसको निकाल सकते हैं। जो क्लच प्लेट है वो उसकी ख़राब हो चुकी है, तो वही हमने चेंज करना है। तो और इस तरह से आप इसके अंदर जो प्लेट है वो 5 हैं, जो पहले प्लेट में आती थी उसके अंदर भी 5 था, और वही इसके अंदर है। ये है इसकी ओरिजिनल क्लच प्लेट, 370 रुपये MRP है इस समय इसकी, पहले 336 रुपये थी लेकिन अब 370 है। और यहाँ पर हम इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर कौन सी कंपनी की निकली, क्योंकि इसके अंदर 2 तरह की प्लेट निकलती है आमतौर पर। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको इसके अंदर से कौन सी प्लेट निकलती है, वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने इसको अनबॉक्सिंग कर दिया है ओरिजिनल प्लेट को। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो प्लेट डली है वो मैं आपको थोड़ा सा फोकस करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ETL, ठीक है, ETL भी होती है और HTS, हाँ जी हाँ, ETL और HTS की प्लेट भी इसके अंदर मिलेगी आपको। ये तो ETL की है लेकिन उसके अंदर लिखा होता है HTS, ठीक है। और उसके बाद जो क्लच हब सेंटर प्रेशर प्लेट और क्लच हाउसिंग है उसको हम अच्छे तरीके से क्लीन कर लेते हैं। इस तरह से आप इसको पेट्रोल से क्लीन कर लें। तो गाइस उसके बाद जो क्लच प्लेट है उसको हम यहां से इसको क्लिप को निकाल देते हैं, और जो क्लच प्लेट है अब उसको फिटिंग करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको उसकी क्लच हब खोलना है, ये इस तरह की होती है, और अब इसमें हम क्लच प्लेट फिटिंग करते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्लच प्लेट को फिटिंग करेंगे इस तरह से, ठीक है, और उसके बाद एक प्रेशर प्लेट रखेंगे। प्रेशर प्लेट को आपको किसी भी तरीके से रख सकते हैं, चाहे तो आप उभरा हुआ ऐसा ऊपर कर सकते हैं या फिर नीचे, सभी प्लेटों को आपको एक तरह से डालना है। वैसे ध्यान रखें ये जैसे डाउन हिस्सा है और ये उभरा हुआ, ठीक है, यदि हम उभरा हुआ हिस्सा ऊपर करते हैं तो सभी जो प्रेशर प्लेट हैं उनको उभरा हुआ हिस्सा ऊपर ही रखना है। तो यही बात इसमें ध्यान रखने वाली होती है। तो यहाँ पर हम इसकी फिटिंग कर देते हैं।
हमने उभरा हिस्सा ऊपर रखा है, और उसके बाद जो है हम वापस से क्लच प्लेट लगाएंगे, फिर वैसे ही प्रेशर प्लेट लगाएंगे, उभरा हिस्सा ऊपर रखेंगे, और इस तरह से हम जो है सभी पांच प्लेट को फिटिंग कर देते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं इस तरह से फिटिंग होती है इसकी। और उसके बाद जब ये फिट हो जाए, उसके बाद इसका जो सेंटर है, सेंटर को आप इस तरह से इसके ऊपर रख दें। और अब जो है हमें इसका जो क्लच हाउसिंग है, पहले इसको फिटिंग करना है। वहाँ पे ध्यान से देख लें, पीछे वार्सल होती है, उसके ऊपर एक बुश लगा होता है इस तरह से, और उसके बाद ये क्लच हाउसिंग यहाँ पर फिट हो जाता है। और उससे पहले जो है हमें यहाँ पर एक वासर लगाना है, और यहाँ पर इस तरह एक वासर लगा होता है, वो लगाएं। और उसके बाद जो क्लच प्लेट है इसको यहाँ से इस तरह पकड़ें, और बाइक को एक बार गियर में जरूर डाल लें इसको इस तरह से फिटिंग करते समय, और इस तरह से उसको आप फिटिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं ये फिटिंग हो चुका है, और उसके बाद ये वासल, और उसके बाद एक और वासल, और उसके बाद ये नट, और इसको उल्टी चुड़ी होती है, ये ध्यान रखें, और जैसे हमने इसको खोला था वैसे ही टाइट कर देते हैं। आप यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें, जो चार प्लेट हैं वो एक सीध में आएंगी और एक प्लेट जो है ऊपर रहेगी, इसको आप बाहर खींच कर जरूर देख लें, इस तरह का जो है इसके अंदर एक गैप और प्ले होनी चाहिए, ठीक है, ये बहुत जरूरी है यहाँ पर ध्यान रखना। और उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पर पुलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और इसको गन के द्वारा इस तरह से टाइट भी कर सकते हैं। मैं आपको एक बार इसका पुलर दिखा दूँ कैसा होता है, यदि आपके पास ये गन नहीं है तो इस तरह पुलर होता है, ठीक है, उसके बाद आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे स्प्रिंग है वो 6x6 स्प्रिंग आप यहाँ पे डाल दीजिए, और उसके बाद जो ये प्लेट है, इस प्लेट को आप वैसे ही लगाएं जैसे आपने इसको खोला था, और इस तरह से आप सभी बोल्ट को बराबर टाइट करें, ये बात ध्यान रखें, और फिर आराम से टाइट करें, ज़्यादा टाइट करें कई बार ये प्लेट टूट सकती है, ये ध्यान रखें। देख सकते हैं ये फिट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे जो बैरिंग है वो बैरिंग आपको डाल देना है इस तरह से, और इसकी फिटिंग के बाद जो है आपको जो है ये जो किक शाफ्ट है उसको डालना होता है। यहाँ पर इसको इस तरह से डालें, यहाँ से इसको आगे की तरफ उस सुराख में गिरें, और यहाँ पर स्प्रिंग को यहाँ पर एक हाथ के साथ रोक के रखें अंगूठे के साथ, और किक डाल के जो है किक को जो है आपको इस तरह से घुमाना है, और घुमाने के बाद जो है इस तरह से आगे की तरफ धक्का दें, ठीक है, और एक बार किक को जो है ध्यान से देख लें, वो सामने जो टीथ है वो टीथ सामने दिखाई दे रहे हैं, ये स्प्रिंग को यहाँ पे रहने दें, और टीथ देखें वो टीथ आपसे मिल जाने चाहिए वो सामने, ठीक है, वो टीथ मिल चुके हैं, अब हमारी किक शाफ्ट सही से फिट हो चुकी है। तो उसके बाद ये आप क्लच कवर लें, यहाँ पर ये ठेसी डली है, इसको एक बार यहाँ पर चेक कर लें, बस इसमें और कुछ नहीं होता इस साइड में, और यदि आप पैकिंग चाहें तो नया लगा सकते हैं, लेकिन इसमें ये ओरिजिनल पैकिंग लगा है तो ये लीकेज वगैरह भी नहीं है और ये फटा भी नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही फिटिंग कर देता हूँ। और उस पर जो 8mm के बोल्ट थे उसके बाद आप उनको वापस से लगा दे दें। तो गाइस उसके बाद जो है हमें इसको जल्दी से फिटिंग कर लेना है, जैसे किक को निकाला था किक को वापस से लगा देते हैं, और क्लच केबल वगैरह जो है इसकी लगा देते हैं। तो इस तरह से हमने इसको जल्दी से फिटिंग लगभग कर दिया है। तो और उसके बाद जो है जो फाइनल काम होता है वो है तक क्लच की सेटिंग का। तो यहाँ पर क्लच की सेटिंग आप किस तरह से करेंगे, इसको आप यहाँ पर थोड़ी सी प्ले जरूर छोड़ें, ठीक है, इतनी प्ले जरूर छोड़ें इसके अंदर, और इसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर ये इसमें ये नट लगे हैं, उनको थोड़ा आप टाइट या लूज करके इसकी सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग इस हिसाब से करें कि जो आपका क्लच लीवर है उसमें प्ले रहे, ताकि क्लच प्लेट जल्दी ख़राब ना हो, इस तरह थोड़ी सी प्ले रहनी इसमें बहुत ज़रूरी है ये वाली, ठीक है। तो गाइस पहले हम वो प्रॉब्लम देख लेते हैं, स्विच को ऑफ़ करते हैं, जो प्रॉब्लम इसमें पहले थी किक में वो फ्री तो नहीं हो रही। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप किक जो है बिल्कुल ओके हो चुकी है, ये आपको फीलिंग तब होगा जब आप खुद इसको ट्राई करेंगे। और अब हम इस बाइक को स्टार्ट करके देखते हैं, स्टार्ट ये बिल्कुल ओके तरीके से हो चुकी है। और रही बात इसके पिकअप की, मैं पिकअप आपको इसका दिखा ही चुका हूँ, फिर भी मैं आपको एक सीन और दिखा देता हूँ। जब मैंने इसको क्लच प्लेट डाल दिया और इसका पिकअप चेक किया तो पिकअप इसका बहुत अच्छा बना। तो गाइज इसके साथ दीजिए अनुमति, जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।